सामवाहिक क्लासेस में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रश्मि गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और त्रिपाठी मुन्नी त्रिपाठी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। आरती जैन मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और मोहित जी उपस्थित हैं, शायद उनका स्वागत है। किशोरी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। किशोरी जी और बबली जी हमारे संस्था के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका स्वागत है तो जुड़ने के लिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आज तिवारी जी को, तिवारी जी ने कहा था कि हमको कुछ समझा दीजिए, तो वो चाहते थे वर्चुअली कि यही मेरिडियन जिसकी बात कर रहे थे, मेरिडियंस पर बात करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जिनमें कठिनाई थोड़ा सा आ रही है उन पर हम लोग विचार करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत पारंगत हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं प्रैक्टिकल बहुत पारंगत हूँ, थ्योरी में मुझे मालूम हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल हम बहुत करते नहीं। दूसरे मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत है, बता देते हैं, लेकिन बहुत करते नहीं है। ये बिल्कुल मेरी स्पष्ट वो है, मैं अपने को कभी नहीं बोलता कि मैं प्रैक्टिकल बहुत पारंगत हूँ, लेकिन हम वीडियो, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम लोग वीडियो बना करके और अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वीडियो बना करके इसको भेजें, ताकि उसको और डेमोन्स्ट्रेशन हो, क्योंकि ऐसा हम लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे बताने का प्लेटफॉर्म नहीं कि भाई हम बताएं और आपको बोर्ड में बता दें तो आप लोग उसको समझ जाएं। ये जो क्लासेस में जो होता है, आप बाई जूस वगैरह में आप पढ़ती होंगी, देखती होंगी, तो वो यूट्यूब वाले, हम लोगों के पास ये सुविधा नहीं है। और संस्था चूंकि हमारी बहुत ना अमीर है ना गरीब है, दोनों चीजें भी मध्य की है, सहायता करना चाहते हैं लेकिन जितना पैसा है उतना पैसा कम यूज हो, बस इसका है, और कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग संस्था में बहुत अधिक पैसा भी इस तरह ऐसे कामों में लिए खर्च नहीं करना चाहते कि भाई उसके लिए हम पूरा प्लेटफॉर्म लें और 1,00,000 रुपये खर्च कर दें, ये सब हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग की थोड़ा निगेटिव भी है, और लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग करते हैं कि भाई जितना हम लोग कर सकें अपने माध्यम से, और वीडियो के वीडियो भी हम लोग भेजेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो भी हम लोग ऐसा भेजें कि उसमें थोड़ा डेमो टाइप का होता है, वो उससे आप लोगों को फायदा होगा। जो प्रैक्टिकल जहाँ हो रहा है कोऑर्डिनेटर, अगर वो चाहे जैसे हमारे यहाँ कोई आए हम उसको समझा देंगे, लेकिन ऐसा क्योंकि हमारे लोग दूर दूर जुड़े हुए हैं, बबली सिंह ग्वालियर से जुड़ी हुई है, किशोरी जी अब झारखंड से जुड़ी हुई है, तो अब नेचुरली सारे लोग दूर दूर के हैं, ये मुन्नी त्रिपाठी जी हरिद्वार से जुड़ी हुई है, तो सारे लोग सुधा पाठक जी इधर यहाँ दिल्ली के आसपास से जुड़ी हुई, पटना से सर जी, पटना से। अच्छा पटना से, ये आपका है ये? जी सर, प्रणाम सर। तो ये तो आप बहुत जुड़ती हैं, और ये जो नाम आपने लिखा हुआ हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसका नाम है, आर्ट एंड एक्टिविटीज विद मोहित। एक्चुअली सर इसी से खुलता ही है और दूसरे इससे नहीं खुलता है, इस वजह से। ये नहीं कह रहा हूँ, हमको मालूम नहीं होता था ना कि किसका है, मैं बहुत दिन देखता था मैं, अब ये नहीं मालूम था कि पुष्पा जी का है, ये बताइए। तो पुष्पा जी किशोरी जी की बड़ी बहन है, तो ये उनका स्वागत है। तो हम उसमें समझते थे कि किसको मैं जोड़ता हूँ, लेकिन हमने कहा कि मना नहीं करेंगे जोड़ते, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि हमें एनीवे। तो हम लोग जो है तिवारी जी का बात थी, तो मेन जो है किसमें परेशानी आ रही है, वो आ रही है आप लोगों को स्पाइरल में, कि और किसी में बोलिए उसी को शेयर करें। जो मुझे लग रहा है सर ये पूछना है, जैसे हम LHM लगाते हैं तो पहले हाथ में मतलब बना लेना चाहिए ना, लाइन खींच लेनी चाहिए ना उससे, तो हमें सही आइडिया हो जाता है। हाँ देखिए, अनुभव अभ्यास सभी, ऐसा मत समझिए जो लोग लगा रहे हैं आज की डेट में, इन्होंने अभ्यास किया है पहले, और पहले हमने बताया ना कि जब संस्थान शुरू हुआ तो वहां नॉर्मली केवल आपको मसाजिंग दी जाती थी, और सुजोग थेरेपी में भी 38 पॉइंट थे उनके, जो सुजोग नहीं, जो प्रोफेसर देवेंद्र बोरा जो आए थे, तो उन्होंने रिफ्लेक्सोलॉजी किया था, तो उनमें 38 पॉइंट थे केवल, तो वो उनमें बहुत सरल था, दबा दीजिए यहाँ दबा दीजिए बस करके, उसमें आराम मिलता था तब भी।
क्योंकि आराम तो मिलेगा अगर पॉइंट सही होंगे। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट चाइनीज हुआ, फिर आयुर्वेदिक हुआ, अब आयुर्वेदिक के नए कंसेप्ट आ गए, तो अब उसी पे उस पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। तो हम जरा शेयर करें, मैं इसको ये तो आरएलएचएम तो है। देखिए शरीर की संरचना वाला कहीं पॉइंट दिखा दो पहले, थोड़ा सा आप लोग समझिए। ये संरचना है शरीर की, ये है, ये वाली है। अब देखिए इसमें थोड़ा ब्लड आया है, ये इसलिए दिखाना नहीं था, और कोई है कहीं तो। ये वाला तो आप लोगों ने देखा हुआ है, इस पे जल्दी बता देता हूं कि ये देखिए ये वाला जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको यही देखना है केवल ये जो पॉइंट आता है बैक साइड में, हम वाले में ये देखिए 9, 8, 7 नंबर नाखून के नीचे उसमें आता है, और यहाँ पर देखिए 7 नंबर यही सामने है बिल्कुल ये वाला, लेकिन उंगली में अगर आना है तो 7 नंबर नीचे आता है, नेल के नीचे, ये ध्यान रखिएगा, बस बैक साइड में ही है, ध्यान देने की बात है, अदरवाइज वही है, नॉर्मल है। और यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा 6, और यहाँ पर आपको आएगा 5 नंबर, और उसके बाद आपका ये होगा। तो ये वाला जब बैक साइड में जब आएगा तो 9, 8, 7 बिल्कुल इसके उसमें आता है, लेकिन यहाँ देखिए 7 नीचे आ गया, ये 8 और 7 के बीच में ये पॉइंट है। ये दूसरा शरीर की दूसरी जो भाग है 5 और 6 मेरिडियन, कोशिश मतलब वो साइड में है, देखिए यहाँ देखिएगा इस चित्र में बना है शायद, नहीं ये वाला जो देखिए ये साइड है ना, तो 4, 4 तो बिल्कुल बॉडी के साइड में आएगा, और 5 और 6 जो है वो बिल्कुल साइड में, जैसे लैटरल साइड जहां पर गॉल ब्लैडर की मेरिडियन जाती है वो वाला पॉइंट होगा, थोड़ा ये ध्यान देने की आवश्यकता होगी हमेशा इस ये वाले में। ये तो खैर हॉरिजॉन्टल दिखाया हुआ है, जो वर्टिकल है उसमें कि साइड में जो बिल्कुल जहां लैटरल साइड है वहां से 5, 6 जाता है, तो कोशिश करिएगा कि नॉर्मली ये वाले इनके साइड में यहाँ पर आए, यहाँ पर इन पर आए। सर जी, सर पेज नंबर, सर कौन सी बुक है, पेज नंबर क्या है? सर लाइट चली गई थी, सॉरी सर। ये हमारा जो आप लोगों पास हैंडबुक है क्या, क्या कौन सा सर हैंडबुक ट्रीटमेंट? सर ये भारद्वाज की ना 23 पेज पे है। हाँ नहीं भारद्वाज की, हाँ भारद्वाज में भी है सैम वन की, हाँ हैंडबुक नहीं है सर हमारे पास। हाँ हाँ तो हैंडबुक कोई बात नहीं, हैंड देखिए आगे आप लोग जब पढ़ना चाहें तो हैंडबुक 1 और 2 तो जरूर बहुत कंपलसरी चाहिए है, आप इतने प्लॉटिंग मिलेंगी कि उनके बेसिस पर आप ट्रीटमेंट करने में आपको आसानी रहेगी, थे जब आप एनर्जी में बात
बात करेंगे। तो ये 22 पेज में दिखाया हुआ है। अब वो 22 पेज इसमें मेरे पास तो है नहीं, इसमें नहीं है, इस वाले मैंने नहीं लिया है। तो बहरहाल ये तो वो है वर्टिकल में, हम बस केवल ये ध्यान देना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। देखिए यहाँ 3, ये 6 या 9 है, यहाँ भी कोई नहीं है, बस बैक साइड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये, देखिए यहाँ बैक साइड में ये 9 है और ये 8 है, और देखिए 7 इसके नीचे है एक उस उंगली वाले में, और यहाँ भी यहाँ 7 बिल्कुल उसमें नेल के पीछे आया हुआ, बस ये ध्यान देने की जरूरत है। ये नॉर्मल ये वाली बुक है जी, कौन सी सर? यही है पेज नंबर सर, किसका? उसका पेज नंबर 22 है आपका, जो अगर आपके पास भारद्वाज है तो उसका पेज नहीं सर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की पेज नंबर हैंडबुक नंबर इनके पास हैंडबुक है। हाँ हैंडबुक सर, पेज नंबर 25 लिखा हुआ है ना, 25 है। हाँ थैंक यू सर, पेज नंबर 25 है। तो ये वाला है, तो इसमें नॉर्मल फ्लो है इस तरह, तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम लोग पास आ गए कोई नहीं, ये अपोजिट फ्लो में बस जस्ट समझ, देखिए अपोजिट फ्लो में क्या लिखा हुआ है, 0 पॉइंट ऑन बैक। बस ये अपोजिट फ्लो जब कभी लगाएंगे आप हॉरिजॉन्टल में, तो ये पॉइंट जो है आपका बैक में आ जाएगा। 9वां नंबर का पॉइंट जो है, जो कहना है 0 पॉइंट हमेशा पीछे आ जाएगा और 9 नंबर आगे आ जाएगा, चलेगा उसी तरह। फिर RLHM तो खैर ये समझ नहीं, RLHM बहुत सरल है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें जो है जब भी कभी आए कि मान लीजिए आपका 4/0 करें, तो आप समझिए 4/0, तो यानी दोनों में जो पहले बात की जा रही है वो नॉर्मल, जो सामान्य हमारे पहली जो एनर्जी बताई जा रही है वो उसमें सामान्य वाले लग रहे हैं। 0, 1, 4, 5, 8, हम लोग दो अंक समझ रहे हैं ना, एक 0, 1, 4, 5, 8 है और दूसरा हमारा 2, 3, 6, 7, 9 है। तो बस 4 हॉरिजॉन्टल में लगा दीजिए ये वाले पॉइंट, और इस वाले में लगा दीजिए 0 वाले में लगा दीजिए 2, 3, 6, 7, 9 पॉइंट। ये इसका अर्थ है, जो पहले लिखा हो वो आपका सामान्य के रूप में है और जो बाद में लिखा हो वो विशेष के रूप में है। तो यानी कभी हॉरिजॉन्टल में जब आप लगाएंगे इसमें और यहाँ, मान लीजिए यहाँ लगाना है और यहाँ लगा 0 और 6 में लगाना, तो 6 यहाँ पर हुआ तो 6 इसमें लगाया, 0 यहाँ लगाया, तो 6 वाले में आपको 0, 1, 4, 5, 8 का मान लीजिए उन्होंने कहा 4 से 8 और 4, 5 से 8, तो 4, 5 ऊपर लगाएगा, 6 में लगाएंगे, और अगर आपने कहा 3, 6 टोन तो 0 हॉरिजॉन्टल में 3, 6 टोन लगा देंगे, बस ये उसका अर्थ है। तो ये वाला सर RLHM एक बार वापस समझा दीजिए प्लीज, समझ में नहीं आया। RLHM माने हुआ ऐसा क्या, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। इन्होंने इसलिए कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को दो एरिया को कवर करना होता है, जैसे ये सब एरिया तो है शरीर के, और एरिया है और एनर्जी है, सब एनर्जी 0 से लेकर 10 तक 9 तक की एनर्जी है, 10 एनर्जी सिस्टम है इसमें। तो हम लोग कभी शरीर में, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को इस शरीर में इस भाग में परेशानी है, तो अगर दो भागों कवर करना हो हॉरिजॉन्टली, जैसे मान लीजिए चेस्ट यहाँ भी करना हो पेट के और चेस्ट में करना हो, तो चेस्ट वाला भाग मान लीजिए हम लोग वहां देखा था कि ये 5 आ रहा है, 6 गर्दन पे आ रहा है ना, 6 गर्दन पे आ रहा है, तो अगर हम लोगों ने इस बात को देखा, आप देखिए 6 गर्दन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने देखा होगा पेज नंबर 24 आपका जो भारद्वाज है उसमें है, 6 नंबर यहाँ आ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। 6 नंबर यहाँ आ रहा है, 7 नंबर मुंह पे आ रहा है, 7 नंबर यहाँ आ रहा है, 8 नंबर आंखों पे आ रहा है, और इसके ऊपर 9 नंबर। तो ये इस तरह जो हॉरिजॉन्टली मान लीजिए इनमें परेशानी कोई हुई, किसी ने कहा कि हमको मुंह में दर्द है, तो हमको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी कि मुंह के आसपास हमारा जो मेरिडियन आ रही, जो हॉरिजॉन्टल साइड आ रहा हो, इसकी प्लॉटिंग लोकेशन। तो ये रीजनली माने जो हम लोग कर रहे हैं, ये तो हम लोग एक शरीर को एक बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको और छोटे स्तर पर जाए, टिश्यू स्तर पर जाए, शरीर के और छोटे भाग टुकड़े करके करें, तो वो रीजनल या जो भी रीजनल लॉन्ग वर्टिकल या वर्टिकल या वो लॉन्ग वर्टिकल या रीजनल लॉन्ग वर्टिकल
ये जितने हैं ये सब कंसेप्ट रीजनली, उसके रीजन माने छोटे से भाग को ट्रीट करना है, उसके लिए है ये। तो इसमें हमने कहा, देखिए ये वाला देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है 7/7/0 आर एल एच एम, रीजनल लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन। तो हॉरिजेंटल माने एक मेरिडियन ये, और दो मेरिडियन को इन्होंने कवर कर लिया, यानी दो शरीर के भागों को कवर कर लिया, और उन भागों की एनर्जी को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, जो पहले लिखा हुआ है सात पहले लिखा हुआ है, तो हमारे पास दो अंक हैं, एक अंक है सामान्य और एक अंक है विशेष। ये तो समझ में आ गया। तो जो पहला है 7/0, तो 7 को हम लोग सामान्य अंकों में करेंगे। पहले तो 7 में अंक लिख दीजिए, देखिए यहां लिखा है 7 हॉरिजॉन्टल में 0, 1, 4, 5, 8, और फिर 0 में लिखा हुआ है, बाद में 0 है, 0 में लिखा हुआ 2, 3, 6, 7, 9, ये दो अंक हमारे पास डिवाइड हो गए। हम लोग सामान्य 0, 1, 4, 5, 8, 2, 3, 6, 7, 9, तो हम लोगों ने सामान्य को पहले वाला जो है सामान्य और जो बाद वाला है वो विशेष ये रखा। अब प्लॉटिंग जब आई तो हम लोगों को उसी में कोई पॉइंट बताएंगे ना, वो हमको ट्रीटमेंट देंगे कोई, तो कहेंगे कि 4, 5 से डेट कर दीजिए, 7 मान लीजिए उन्होंने कहा कि 7/0 आर रिलेशन में 4, 5 से डेट 3, 6 होगी, एक दिन उन्होंने दे दिया। तो हम लोग पहले तो हॉरिजॉन्टली तय कर लेंगे कहाँ कहाँ हमको बनाना है, तो हमने बना लिया कि 0 हमारा ये है, तो इसमें 2, 3, 6, 7, 9 जो पॉइंट आएंगे इसी में लगेंगे, और जो 7 वाले में आएंगे 7 वाला इसके ऊपर यहाँ पर आएगा, इस ऊपर के यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा लगभग, ये 6 है तो ये 7 यहाँ पर आएगा, इस तरह पर आएगा। तो इस स्थान पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा 0, 1, 4, 5, 8 ये हम लोग करेंगे। तो अब इसके बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं, अब 4, 5 तो हमारा 4, 5 आ रहा है किसमें, 7 हॉरिजॉन्टल में, तो 7 हॉरिजॉन्टल में जब आया तो हम लोगों ने 4, 5 को यहां पर 4, 5 देखा, तो 4, 5 उसी तरह चलेगा, 0, 0 बीच में रहेगा, और 1 किधर रहेगा, अंगूठे की तरफ, 1, 4, 5 उधर, 2, 3 जाएगा। तो हमको 4, 5 क्यों देखना है इसमें, 4, 5 तो 4, 5 को हम लोग देखा कि 4 हमारा इसमें जहां भी आ रहा हो, 4 यहां आ रहा है, 5 पीछे आ रहा है, तो इसी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में हम लोग घूमते रहे और इसी में हम लोग 4, 5 को सेट कर देंगे, 5 यहां जाएगा, 4 यहां जाएगा, और फिर 3, 6 को टोन करना होगा, तो हम लोग 0 हॉरिजॉन्टल में है यहां पर, तो यहां पर आ जाएंगे, और 3, 6 को 3 होगा, ये इधर बन जाएगा, 3 इधर बनेगा और 2 इधर बनेगा, दोनों उधरी बनेंगे, तो हम लोग 2, 3, 6 को 3, 6 इधर आ जाएगा, 2 यहां, 2 इधर, 3 इधर और 6 इधर, तो 3, 6 को हम लोग टोन कर देंगे, वो सीडेट कर देंगे या टोन कर देंगे जो भी होगा, वो 3, 6 टोन, बस ये वाला है। तो ये समझना है केवल इसमें अलग अलग दो हॉरिजॉन्टली, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वाले में तो सर वो सिर्फ ब्योल मैग्नेट ही लग पाएगा ना। हाँ, छोटा वाला लगना है इसमें, इन सब में जहां उंगली बात आती है वहां तो हमेशा ब्योल मैग्नेट आपको कौन सा लगेगा, 1 या 2, मैक्सिमम 2, किसी की उंगली मोटी होगी तो 2 लग जाएगा, किसी की उंगली पतली होगी तो 1 लगेगा, तो 1, 2 ही लगेगा बस उंगलियों में, ठीक, क्योंकि तो पॉइंट एकदम छोटा छोटा आएगा ना। हाँ, छोटे छोटे आएंगे, तो वही इसीलिए छोटे वाले लगते भी हैं इसमें। तो ये आपको, ये हॉरिजॉन्टल है, सबसे कठिन जो है हॉरिजॉन्टल LHM है, ये तो बहुत सरल है, देखिए इस देखिए दो एरिया को कवर करने के लिए है, देखिए इस एरिया कवर किया, इस एरिया कवर किया, और इनको दोनों से करने से क्या हुआ, इस पूरे एरिया को समझ लीजिए, इसको इस चीज को समझना है, हम लोगों ने क्या किया है, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोगों ने इस पूरे एरिया को, हिप्स के इस एरिया को पूरा कवर कर लिया इस एनर्जी सिस्टम से, ये रीजनल ट्रीटमेंट हुआ। रीजनल क्यों कह रहे हैं कि हम लोग पूरे शरीर का नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसी भाग में जहां दर्द है या जहां परेशानी है उसी भाग को हमने कवर कर लिया। तो हमारे इन पॉइंट्स, इसको लगाने से और यहां लगाने से हम लोगों ने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, सारे एरिया को कवर कर लिया, ये फायदा हुआ दोनों इसको यूज करने का।
सबसे थोड़ा सा टफ जो है स्पाइरल और एलएचएम, ठीक है। देखिए ये सब वही भाग है, देखिए ये इधर ये कवर कर लिया, इधर ये कवर कर, इधर कवर हो गया, पूरा कवर हो गया, इस तरह उन्होंने किया है। तो आरएलएचएम उतना नहीं है टफ, टफ तो देखिए ये जैसे यहाँ अब इस एरिया को यहाँ पे करना था और यहाँ भी उनको दर्द यहाँ भी है मान लीजिए और यहाँ भी दर्द है, या हम लोगों ने देखा कि जो भी चीज कह रहे हैं उस दो इस एरिया को प्रभावित कर रही है और इसको प्रभावित कर रही है, तो हमने दोनों एरिया कवर करने के लिए इसको रीजनल ट्रीटमेंट कर दिया, इस पूरे एरिया को कवर कर लिया, यहां से यहां तक के एरिया को कवर कर लिया, ये इसका अर्थ हुआ। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी। अब स्पाइरल मेरिडियन जो है ये वाला आपको समझना है, और पेज नंबर कौन सा ये वाला 50। देखिए इसका चार्ट, तो चार्ट थोड़ा पहले इसको बेसिक समझ लीजिए, हमेशा ये शरीर को बना दिया उन्होंने बाय द वे, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा वर्टिकल मेरिडियन जो नीचे से ऊपर जा रही है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो हमारी उसी पे स्थिर है, ठीक। कंसेप्ट थोड़ा सा बता दूं, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान, बस ध्यान दो मिनट ध्यान दीजिए, तो कोई वो नहीं, ये सारे सिद्धांत प्रोफेसर पाल जेवो के सिद्धांत के आधार पर निकले हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में एक सत्ता है, परम सत्ता है, वो ब्रह्म की सत्ता है। जैसे हमने कहा कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हमारे भगवान हैं और ये पूरे संसार को चला रहे हैं चारों शक्तियां मिलकर के, और जो परम ब्रह्म है वो केवल देख रहा है, दृष्टा है, वो चला रहा है वही, लेकिन वो केवल दृष्टा है, देख रहा है और सबको वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये हम लोगों का कंसेप्ट था भारतीय दर्शन में जुड़ा हुआ, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। प्रोफेसर पार्कजू ने इसी को, इन्हीं आइडियाज को तीन फोर्सेस में, चार फोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनका एक होमो है, एक हेट्रो है, एक न्यूट्रो है और एक न्यूट्रो, न्यूट्रो न्यूटो। तो जो न्यूटो सत्ता थी वो परम सत्ता, ब्रह्म की सत्ता के लिए उन्होंने माना। जो कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से हम अपना ट्रांसलेट कर रहे हैं। ब्रह्म की जो सत्ता थी उसको उन्होंने कहा कि यह सत्ता, ये पॉइंट बता रहा हूँ क्यों निकला, आप लोग समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, समय हमारे पास है ही, आगे हम लोग फिर कभी स्पाइरल में फिर होगा कभी ले लेंगे, आगे भी ले सकते हैं दोबारा। तो ब्रह्म, परम ब्रह्म की सत्ता में उन्होंने कहा कि एक तम, हम लोगों ने तम माना है, तम माने अंधकार, अंधकार से कोई सत्ता निकली, तो उन्होंने कहा कि अंधकार से, उसको उन्होंने जीरो वर्ल्ड कहा, हम लोग तम कह रहे हैं, जीरो वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड के लिए एक सत्ता निकली, वो थी हेट्रो। उसने क्या किया, संसार में वो निकली और निकलने के बाद उसने कहा कि हम क्रिएशन करेंगे, तो क्रिएशन कौन करने, हमारे करने वाले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कर, हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी, उन्होंने ब्रह्मा कहा, तो वो सत्ता गई और वो उसने परिवर्तन करना चाहा, बहुत तेजी से परिवर्तन हो, जैसे वो सत्ता निकली एक दूसरी सत्ता होमो सत्ता, होम माने समान, हेट्रो माने तेज, चेंजेस परिवर्तन, और होमो माने समान करना, होमियोस्टेसिस हमने पढ़ा ना, तो वही होमो, होमो समान, समान सबको स्थिर, सबको बराबर कर देना, तो होमो सत्ता निकली, उसने उसका विरोध किया, तो उसको रोकना, रोकना चाहा, उसके उसके कार्य में व्यवधान करना चाहा। ये कौन है, महेश, भगवान शंकर के रूप में। शंकर क्या करते हैं, प्रलय करते हैं, वो सबको प्रलय करने का क्या अर्थ क्या हुआ, सब समान हो गए, अभी तो आप अलग हैं, मैं अलग हूं, किशोरी जी अलग हैं, आप अलग हैं, पुष्पा जी अलग हैं, मैं अलग हूं, सारे लोग अलग हैं, बबली जी अलग हैं, सुधा जी अलग हैं, सब सारे लोग अलग अलग हैं, लेकिन उन सत्ता में जब जीवित नहीं रहा तो सब समान हो गए। तो ये सत्ता क्या थी, उसने सत्ता समान रहना चाहे होमो सत्ता थी, लेकिन संसार से इससे काम चला नहीं, तो संसार के लिए एक ऐसी शक्ति की उत्पन्न की गई जो विष्णु के रूप में थी, वो सत्ता कौन सी थी, न्यूट्रो। तो न्यूट्रो सत्ता ने क्या किया, सबको
सबको रोकना शुरू किया, सबको बैलेंस करना शुरू किया, इनको भी रोका, इनकी स्पीड को रोका और उनके मूवमेंट को रोका कि भाई इतना तुम मत करो। तो अब आप देखिए तीन तीन सत्ताएं हो गई ना, और न्यूट्रो सत्ता क्या थी, वो देख रही थी, वो केवल वैराग्य भाव से वीतराग से सबको देख रही कि ये फंक्शन हो रहा है, लेकिन संचालित उसी से हो रहा है क्योंकि वही तो कंट्रोल कर रही थी अल्टीमेटली। तो इस न्यूट्रो सत्ता ने दोनों को मिक्स किया। तो हम लोग ओम ओम हम लोग पढ़ते हैं, तो ओम ओम में आप देखिए स्पाइरल भी है, ओम में एक लकीर भी है, ओम में एक बिंदी भी है, और ओम में गोलाई भी है, सब चीज है। तो जो सीधी लाइन है वो हेट्रोफोर्स है, जो भी सीधी लाइन है वो हेट्रोफोर्स है। क्यों? वो प्रगति चाह रही है, विकास चाह रही है। तो हमारे यहाँ वर्टिकल लाइन जो बनी, वर्टिकल लाइन क्या बनी, विकास वाली हेट्रोफोर्सेस। तो जो ऊपर मेरिडियन बनी, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ये बनी कहां से, हेट्रोफोर्स से। अब होमोफोर्स ने क्या किया, उसको गई और उसने मोड़ दिया, उसके 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 मार्ग को रोक दिया, मोड़ दिया। तो मोड़ने से क्या बन गया, ये देखिए ये सत्ता मोड़ दिया, सीधे लकीर ना होगा, नहीं नहीं स्पाइरल नहीं सर, हॉरिजॉन्टल, यस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोड़ दिया गोला। तो ओम में भी गोला कर, जहां गोला जहां जहां गोलाई है वो ओम का होमो सत्ता है, और जो सीधे लाइन है वो हेट्रो सत्ता है। लेकिन अब देखिए न्यूट्रो सत्ता क्या थी, उसने दोनों को बैलेंस किया ना, तो वो उसने क्या किया, यूं जिगजैग, यूं आई, यूं चली, फिर मुड़ गई, फिर यूं चली, फिर मुड़ गई, फिर यूं चली, फिर मुड़ गई, स्पाइरल। जो स्पाइरल सत्ता है वो सत्ता हमारी कौन सत्ता है, तीसरी सत्ता न्यूट्रो। तो इसीलिए स्पाइरल मेरिडियन कंसेप्ट देखिए, ये शरीर में चली है, आगे पीछे दोनों भाग हैं, 01458 आप लोगों ने पढ़ा है, 01458, 012 ये वाला, 01423 इतना भाग हमारा शरीर का सपने का है, और पीछे भाग है 67679 और 85 ये पीछे के भाग है। इसमें देखिए दोनों इसको चेंज कर लीजिए, ऐसे यूं कर लीजिए ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सामने के भाग हमारे पे, देखिए नीचे पढ़िए 014, एक साइड में 14 है, 014 अंगूठे की तरफ है, 014 इधर, 23 इधर। तो ये तो शरीर के सामने का भाग हो गया, और पीछे का भाग हो गया 679 इधर हो गया ना, 6 इधर, 6 वो 3 यहीं आ गया, तो 679 और फिर 8 और 5। तो ये जो है पीछे यूं मोड़ दीजिए तो हो गया। अब इसमें यानी ये हुआ कि ये जो है इसमें जिगजैग वेव में आया, दो जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पहले तो कंसेप्ट बता दें, ये स्पाइरल थी न्यूट्रो सत्ता के रूप में, जो स्पाइरल मेरिडियन, इसीलिए स्पाइरल मेरिडियन को बैलेंस करने के लिए बीच में रखा गया, बैलेंसिंग पावर के रूप में, पित्त, इसीलिए पित्त ज्वाइंट में स्पाइरल मेरिडियन रखी गई, मतलब इसमें इस वाले में। अब देखिए शरीर को, अगर शरीर में यहां से लेकर के यहां बीमारी हो, यहां बीमारी हो, यहां बीमारी हो, हर जगह बीमारी फैल गई है, जैसे ब्लड हमारा है तो ब्लड तो हर जगह फैला हुआ है, तो अगर ब्लड फैला हुआ है सब जगह, तो उसको हम लोग इसी तरह स्पाइरल मेरिडियन में ट्रीट करेंगे, यानी टिश्यू लेवल पर जब भी काम करना है तो स्पाइरल मेरिडियन उसके लिए सहायता देती है। क्यों? क्योंकि वो फैलाव, उसका विस्तार बहुत है, यहां से यहां गई, यहां गई, यहां गई, देखिए फिर पीछे कैसे आई, पीछे यहां से यहां गई, यहां गई, ये गई, मतलब पूरे उसने शरीर को आगे पीछे सब जगह से कवर कर लिया, आगे से भी कवर किया, पीछे से भी कवर किया, यानी पूरा। तो स्पाइरल की उपयोगिता के संदर्भ में बात हो रही है कि स्पाइरल इसलिए उपयोगी है, यदि टिश्यू लेवल पे काम करना होगा तो हमको स्पाइरल मेरिडियन की सहायता लेनी होगी, क्योंकि वह मेरिडियन के ऊर्जा स्रोत अलग अलग जगहों पर एक सीधी रेखा में नहीं चलेंगे, एक बाएं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर सर में चढ़ जाएगा, यानी पूरे शरीर को देखिए, जीरो जीरो यहाँ है ना, गोनेडियल एरिया के पास है, यहाँ से यू ऊपर गया आपके राइट तरफ, फिर उसमें फिर लेफ्ट चला गया, फिर लेफ्ट चला गया, फिर राइट चला गया यहाँ एक्सिला लेवल पर, और फिर आगे यहाँ आ गया, ये एनर्जी आ गई, और ये पांचवी एनर्जी फिर चली गई गले पर, और गले के बाद फिर चली गई
ये उसी के ऊपर और यहाँ ऊपर पर ये आपका जो है लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड में फिर चली गई सर के इधर इस तरह चली गई और फिर 9 नंबर पे चली गई, यानी इसने पूरे शरीर को कवर किया है। अब इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो अच्छा उसी में वो आगे आगे है नहीं मेरा। अब देखिए इसी को प्लॉटिंग की जब बात आएगी तो प्लॉटिंग जो है उंगली दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है सर? स्क्रीन हटा दीजिए आपका पूरा अच्छे से दिखेगा फिर। पूरा स्क्रीन हटा दे सर, की फिंगर को पिन कर लीजिए। कितने नंबर पेज में है मैम अभी में भरद्वाज वाले में? 27। अच्छा थैंक यू। ये हाँ दिख रही ना। अब देखिए इसमें क्या है, जीरो तो बहुत सरल है। कैसे सरल है? जीरो आपने यहां रखा। इसमें क्या है, स्पाइरल में हम लोगों ने कहा कि दोनों कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन माने हमको उन पॉइंट्स को तलाशना है जहां पर कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलती हूं, चौराहा हमको खोजना है। जैसे हम लोगों ने कभी गणित में पढ़ा था ना, वो एक चार्ट बनता था, उसमें यहां मिलाइए यहां मिलाइए यहां मिलाइए, वही वाला है। तो हमको क्या है, हमको ढूंढ, हमारी हॉरिजॉन्टल व्यू चल रही है और हमारी वर्टिकल ऐसे चल रही है, तो कहीं तो क्रॉस कर रही है दोनों। यू करेंगे और यू करेंगे तो क्रॉस कर रही है। हमको बस वही क्रॉसिंग ढूंढना है। क्रॉसिंग कैसे ढूंढना है? जहां एक और एक मिले वो क्रॉसिंग, जहां दो दो मिले वो क्रॉसिंग, जहां तीन तीन मिले वो क्रॉसिंग, जहां चार चार मिले वो क्रॉसिंग, जहां पांच पांच मिले वो क्रॉसिंग, जहां छह छह मिले वो क्रॉसिंग, जहां सात सात मिले वो क्रॉसिंग, जहां आठ आठ मिले वो क्रॉसिंग, बस ठीक। जहां नौ नौ मिले वो क्रॉसिंग, सारे को क्रॉसिंग को केवल भाई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 3 ये क्रॉसिंग है। अब हम लोग देखें, जीरो यहां शुरू हुआ, ये थंब है, वन इधर आएगा, वन आएगा। अब हमको वन पर आए हम लोग, तो जीरो वन पर मतलब यहां पर ये पॉइंट रखा हमने, लेकिन तो जीरो ये तो जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो तो मिल गया, जीरो जीरो मिल गया पहले वहीं पे मिल गया, जीरो मेरिडियन ये और जीरो वाले ये, तो यहां पे मिल गया पहला पॉइंट ये हो गया जीरो जीरो, जीरो जीरो भी तो बनेगा। तो ये नोट करते जाइए कि जीरो जीरो मिलाना है, तो जीरो जीरो माने यहां जीरो हुआ, यहीं पर जीरो है, दोनों दोनों जीरो इसे मिलेगी, यहां सीधे जा रही है ऊपर और ये हॉरिजॉन्टल यहां आ रही है, तो ये जीरो जीरो मिल गया। फिर वन पर आए, अब हम वन वन पे जाएंगे, तो वन में वन माइने लेफ्ट में आएगा, इधर थंब की तरफ लेफ्ट में आ गया, ये आया ना थंब की तरफ आ गया, तो थंब की तरफ आया गया हम लेफ्ट राइट, अब मत सोचिएगा हम थंब की तरफ बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उल्टा हो रहा है ना। थंब में एक आया, जैसे एक आया तो हमको एक ऊपर भी जाना है, ये तो हमारी वर्टिकल में जहां पर आया हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में भी जाना है ना, तो वर्टिकल में हम लोग गए एक एक, यहां पर आ गया एक, जैसे एक आए तो एक हमारी यहां है ना, ये एक दो तीन, तो एक यहां पर आ गई ना, ये समझ लीजिए यहां पर आ गई कहीं, एक एक जहां मिली तो ये हो गई। अब दो तो दूसरी तरफ है, दो तो इधर है जीरो के बगल में उधर वाली पे उंगली की तरफ, तो दो यहां आ गई, तो दो यहां पर आ गई, एक पॉइंट ये, तो हम लोग मिलाना है जीरो, पहले जीरो से उठाया हम लोगों ने, यू उठा दिया, फिर दो की तरफ चले गए हम, यू चले गए दो को, फिर अब हम लोगों को बताना है ना रास्ता हमारा कहाँ है, तो वन वन चौराहा मिले यहां पर, टू टू चौराहा यहां मिल गया, तो उस चौराहे को फिर हमने जोड़ दिया। अब तीन को, तीन हमारा फिर उस बगल में है, दो के बगल में तीन है अब, और लेकिन तीन हमारा यहां है, ये वाली हॉरिजॉन्टल ये है, तो इसमें तीन पर तीन तीन यहां पर आ गया बिल्कुल किनारे। अब चार की तरफ, चार हमारा फिर इधर है, इधर है, तो चार हमारा फिर ये तीन से फिर यूं आ गया। अब पांच हमको जाना है,
तो पांच तो हमारा चार, ये बगल में ये पांच है, ये साइड, तो पांच हमारा यहाँ आ गया। अब कहाँ है पांच, देखिए चार ये पांच ये, तो पांच पांच यहां मिल गया। और छ, छ हमारा इधर नहीं है, छ इधर है, तो छ छ ये मिल गया। तो फिर उसको यहां वाली रेखा फिर चली जाएगी यूं, फिर सात, सात छ के बगल में सात, छ के बगल में सात, यहां पे सात आ जाएगी, और ये सात की लंबाई यहां पर हो गई, तो सात ये हो गया। फिर आठ इधर आ गई, आठ देखिए इधर इधर आ गई, आठ ये इस तरफ पीछे की तरफ ये आठ आ गई, तो आठ आठ मिल गया। और नौ, नौ ऊपर आ गई, और नौ नौ मिल गया। तो ये जो जिगजैग में बना हुआ, यू बना फिर यू बना फिर यू बना फिर यू बना फिर यू बना, इसने क्या किया, पूरे शरीर को कवर कर लिया। हाँ सुधा जी बोलिए। सर इसका मतलब ये समझे कि हॉरिजॉन्टल तो नॉर्मल रहेगा उंगली में नौ तक, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन उंगली में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रहेगा, है ना। और वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए फिर हमें फॉर्मूला लगाना होगा जीरो वन फोर टू थ्री। हाँ वो जैसे जैसे हमारा वर्टिकल भी तो हमारा तय है, जीरो वन फोर टू थ्री, ये हमारा पूरा तय है, पहले तय है। yes, हम क्या करना है इसमें, स्पाइरल में हमको चौराहे निकालने हैं, जीरो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स, जहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मिलती हो, उन पॉइंट्स, उन चौराहों को हमको क्लब कर देना है, उन चौराहे से रास्ता हमको तय कर देना है, बता देना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि आप चले जाइए कानपुर, फिर कानपुर जाए, फिर कहें इलाहाबाद चले जाइए तो इलाहाबाद, फिर कहें उन्नाव चले जाइए तो उन्नाव, तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं वो मार्ग है। अब इस मार्ग को बताने का तरीका ये है कि ये तय कर रहा है कि हम पूरे शरीर में अपनी ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, जो हमको ट्रीटमेंट का पैटर्न है, हम यहां से ऊपरी शरीर की ऊर्जा को आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह कर दे रहे हैं, ये हमारे उस स्पाइरल का अर्थ होता है। तो इस स्पाइरल से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल भी ऊर्जाएं जुड़ गई और वर्टिकल भी ऊर्जाएं जुड़ गए, दोनों का समेकीकरण, इसलिए वो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो गए, जहां वन जीरो जीरो तो यही मिल जाएगा और नौ यहां मिलेगा, नौ तो जहां भी मिलेगा नौ ऊपर नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल तो ऊपर रहेगा यहीं पर, और वहीं पर आकर नौ पॉइंट मिल जाएगा जहां भी होगा। तो इस तरह उसको लेकर, यहां से लेकर के इसको जोड़ने का काम किया है, आगे और पीछे के भाग को जोड़ने का काम हमने किया हुआ है, है? तो ये हमारा ये नॉर्मल फ्लो है, ये दिस इज नॉर्मल फ्लो। अपोजिट फ्लो थोड़ा सा और टफ है, ठीक। तो अभी अगर आप सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ ठीक, समझा देते हैं, कोई बात, क्योंकि इसको समझ लीजिए एक बार, नॉर्मल फ्लो समझ लीजिए और एलएचएम भी समझ लीजिए, फिर अपोजिट फ्लो फिर कभी समझा देंगे, मतलब थोड़ा सा भी समझिए, एक साथ नहीं समझ पाएंगे। हमने देखिए, मैं खुद इस कंसेप्ट को डेढ़ साल बाद समझ पाया था, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, समझते थे फिर भूल जाते थे, फिर समझते थे फिर भूल जाते थे, सब कहें कि ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, तो वो कंसेप्ट नहीं समझ आता था कि भाई कैसे करें, क्योंकि अभी तो जीरो बहुत सरल है, कॉपी में करेंगे ना इनको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। अभी आगे आओ, इसी बता रहा हूँ, इसको पहले उसको जीरो बता दो, देखिए जीरो सबसे सरल है, इसके बाद थोड़ा सा और टफ है, अब थोड़ा सा बता रहा, पहले जीरो समझिए, जीरो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच हमने जीरो रख लिया, जहां पर जीरो जीरो मिल रही हो तो जीरो एक, ये जीरो ये मिल रही है और ये जीरो मिल रहा है, तो वो पॉइंट तय हो गया, जीरो ये वाला और जीरो ये वाला, ये भी तो जीरो है, यहां भी तो जीरो पॉइंट बना हुआ है ऐसे वर्टिकल, तो जीरो जीरो मिला जो उसको मिला दिया, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब हमको वन में जाना है, तो वन किधर होगा, वन हमारा अंगूठे की तरफ होगा, इस फिंगर की बात कर रहा हूं, इन सारी फिंगर में अंगूठे की तरफ होगा, तो एक नंबर हमारा कहां आया, अंगूठे की तरफ, लेकिन एक नंबर हॉरिजॉन्टल ऊपर चला जाएगा ना, यहां पर आ जाएगा तीन, ये तीन नंबर है तो तीन नंबर, दो नंबर एक नंबर, तो एक नंबर तो यहां पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट एक बन जाएगा, जहां
दोनों चौराहे मिले, एक नंबर के दोनों चौराहे मिले, उस चौराहे को पॉइंट लगा दीजिए और जीरो से एक को जोड़ दीजिए, एक लकीर खींच दीजिए, चौराहा है रास्ता, तो चौराहा वो रास्ता बन गया, यहां से लेकर रास्ता बन गया। अब दो नंबर तो दूसरी तरफ है, दो नंबर के लिए इधर जाना पड़ेगा, इस साइड में, दूसरी साइड पे, तो दो नंबर यहां है, लेकिन दो नंबर यहां पे भी तो है, तो दो नंबर हॉरिजॉन्टल यहां है, तो यहां पर पॉइंट आया तो यहां पर आ जाएगा कहीं, ठीक। तो दो दो मिल गया, अब तीन मिलाना है, तो तीन फिर इससे दो के बगल में तीन है, तो तीन को फिर मिला लीजिए, तो तीन यहां पर आ गया और हॉरिजॉन्टल यहां पर आएगा, तो तीन को तीन से मिला दीजिए, तो तीसरा पॉइंट ये बन गया। चौथा पॉइंट किधर आएगा, चौथा पॉइंट फिर उल्टा चला आएगा अंगूठे की तरफ, तो चौथा पॉइंट हॉरिजॉन्टल यू रहेगा और चौथा पॉइंट हमारा वर्टिकल मेरिडियन यहां है, तो चौथे पॉइंट को हम लोगों ने यहां मिला दिया, ये वाला हो गया। पांचवा हम लोगों के साइड में चला गया है, देखिए आपके हाथ में दिख रहा है सर, थोड़ा सा इस साइड कीजिए सर, इस साइड, हाँ आप देख रहे हैं। पांचवा हमारा यहाँ पे चला गया ये, तो पांचवा यहाँ पर आ गया, पांचवा ये पॉइंट है ना साइड वाला, तो हमारा पांचवा पॉइंट यहाँ पर आ गया, मतलब ऐसे ही पांचवा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ना, ये पांचवा पॉइंट आ जाएगा, ये पांचवा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पांच इधर साइड वाला पांच और ऊपर वाला पांच, ये नहीं यहाँ पर आएगा, छह के नीचे है, यहाँ पर आएगा इस जगह पर, यहाँ पर आ जाएगा। और भी छह नंबर हमारा किधर है, छह नंबर एक तो हॉरिजॉन्टल तो ये है, लेकिन छह नंबर हमारा इधर आया हुआ है इस तरफ, तो हम लोग छह नंबर इधर आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक कर दिया। सातवां नंबर हमारा इसी के बगल में रहेगा, सातवां नंबर यहाँ पर आएगा और सातवां नंबर पीछे चला जाएगा और ये नंबर यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये दिख रहा है ना, सातवां नंबर यहाँ जाएगा। आठवां नंबर फिर हमारा उल्टा हो जाएगा, आठवां नंबर इधर चला गया, ये इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में आठवां चला गया और हाइट यही चली गई, और नौवां नंबर हमारा यहाँ आ गया। तो यहां से लेकर के इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे नाचते हुए यहाँ पहुंच गए, यही तो कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये है। तो एक तो ये तय हो गया, ठीक। अब ये तो जीरो नंबर का सबसे सरल, सबसे सरल जीरो और नॉर्मल फ्लो, इट इज नोन एज जीरो स्पाइरल मेरिडियन और नॉर्मल फ्लो, फ्लो नॉर्मल है क्योंकि हमने फ्लो हमने कहीं चेंज नहीं किया अभी। अब मान लीजिए एक को करना हो, एक नंबर को करना हो, एक नंबर की स्पाइरल मेरिडियन और नॉर्मल फ्लो, तो आपको यह समझना है, वहां समझने में बुद्धि वहां लगाना आप शुरू करिए, थोड़ा जो अर्जित किया ज्ञान हो। सिद्धांत यह है, एक एक मिलेगा, दो दो मिलेगा, तीन तीन मिलेगा, चार चार मिलेगा, पांच पांच मिलेगा, छह छह मिलेगा, सात सात मिलेगा, आठ आठ मिलेगा, नौ नौ मिलेगा, जीरो जीरो मिलेगा। दूसरा सिद्धांत यह है, नॉर्मल फ्लो में जहां भी जिस मेरिडियन की, जिस स्पाइरल की आप बात करेंगे, लिख लीजिएगा इसको, जिस स्पाइरल की आप बात करेंगे, जैसे एक स्पाइरल की बात किया तो एक नंबर से हमारी शुरुआत होगी, एक नंबर से हमारी शुरुआत होगी बस। अब ये शुरुआत का क्या मतलब है, आप लोगों ने इतना हमारे साथ पढ़ा हुआ उसका अर्थ क्या है, शुरुआत का अर्थ क्या है ये बताइए सर। जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, इट इज द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, इट इज जीरो स्पाइरल, अब वन फोर फाइव एट ऐसे चलता है, तो जो फर्स्ट वर्टिकल है इट इज कॉल्ड द जीरो, वहां पर हमारी जीरो आ जाएगी। उसके बाद जो फोर वर्टिकल है इट इज वन, देन सर्कल में फिर फोर आ जाएगा, फिर फाइव, फिर एट, फिर इधर से टू थ्री सिक्स सेवन, वो राउंडेड पूरा उधर चला जाएगा। हमेशा एनर्जी को इस तरह करके देखिए, जीरो जीरो बीच में, इधर एक तरफ होगा टू थ्री सिक्स सेवन नाइन, और एक तरफ होगा जीरो
1458, ठीक, एनर्जी के पैटर्न हो गए, ये ऐसे लोग इसको मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ देंगे तो हमेशा बगल, मतलब जो आपके बगल खड़ा हुआ, जैसे आप लोग कभी लाइन में खड़े होते थे और फिर उसके बाद गोलाकार बना लेते थे, तो जो आपके बगल होता था तो वो बगल वाला तो नहीं हटता था ना, चाहे आप नाचने के लिए डांस वगैरह में कर लेते थे ना पूरा, तो चाहे गोलाकार बना ले, लेकिन जो बगल में आप खड़ा हुआ है, दूर वाला तो एक बार हो गया, लेकिन जब पास आ गया तो अगली बार चाहे कुछ भी करें वो बगल वाला तो हटेगा नहीं ना, चाहे जैसे करें आप घूमेंगे तो बगल वाला तो वही रहेगा, बस ये कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट। अब जो आरती ने कितनी बढ़िया बात कही, इन्होंने कहा कि हमारा वही कहना है, हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि अब हमारा एक नंबर स्पाइरल जब शुरू करेंगे तो उसको जीरो कहेंगे। क्यों जीरो कहेंगे? इसका उत्तर यही है कि जीरो माने हम लोग करें, जीरो माने शुरुआत। हम लोगों ने कितना पढ़ाया कि जीरो माने सृष्टि, जीरो माने उद्भव, जीरो माने जन्म, जीरो माने उत्पन्न। तो जीरो से उत्पन्न हुआ है सब चीज, तो जब जीरो की बात जब भी करेंगे, जब हम कहेंगे कि एक से उत्पन्न हुआ, हम कहेंगे एक स्पाइरल, यानी एक से उत्पन्न मानिए, तो एक से उत्पन्न मानने का अर्थ है कि एक में आप जीरो रख दीजिए बस। तो पहला काम तो आपने क्या किया, एक नंबर कहां पे था हमारा, ये एक नंबर यहां पे था, उस नंबर को हमने क्या कर दिया, हमने परिकल्पना कर लिया, जीरो मान लिया, उत्पन्न यहीं से हुआ है। अब उत्पन्न यहीं से हुआ है तो दूसरा सिद्धांत है कि हमारा रोटेशन नहीं बदलना है, मूवमेंट नहीं बदलना है। अगर हम एक नंबर के लिए थंब की तरफ यूं जा रहे थे तो हमको इसी तरफ बढ़ना है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, एक नंबर किधर ले रहे थे, एक जीरो के बाद एक नंबर किधर ले रहे थे, थंब की तरफ, थंब की तरफ बस। तो हमको थंब की तरफ, चाहे जैसे मान लीजिए हमारे हिसाब से यूं करके यूं आएंगे, हम इसको बोलेंगे इस वाली उंगली के लिए बोल रहे हैं कि ये हम लोग क्लॉकवाइज कर, क्लॉकवाइज ही तो हुआ, देखिए जी 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 सर जी सर, ऐसे 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 क्लॉकवाइज हुआ ना, तो क्लॉकवाइज ही आगे बढ़ना है बस जी। एक नंबर के लिए, दो नंबर के लिए तो उधर चले जाएंगे, लेकिन एक नंबर, क्योंकि एक नंबर हम लोग कहेंगे ना, तो अब जीरो जीरो हमने यहां रख लिया, अब हमको एक लाना है, तो एक हमारा और उसके बगल में हो जाएगा ना, उसी दिशा में क्लॉकवाइज जी जी, बस ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, जीरो यहाँ पर था पहले जी, मैं, जी कहने का मतलब कि जैसे जीरो से हमको एक पर आना है तो हम घूम के ही आएंगे ना सड़क, जैसे एक सड़क को घूम के आना है, जैसे जीरो के बगल में एक था तो यहाँ भी तो जीरो के बगल में एक होगा, लेकिन उसी दिशा में होगा, जैसे जीरो ये था, ये जीरो था, यहाँ एक था, यहाँ चार था, तो अब हमारा जीरो यहाँ चला गया तो भी एक तो इधर चला जाएगा, एक तो उसी बगल में रहेगा, उसी तरफ रहेगा, चला जाएगा, वही डायरेक्शन रहेगा, बदलेगा नहीं, यानी अपने उसको, अपने साथी को भूलना नहीं है। जीरो के बगल में हमेशा चार एक होता है, एक के बगल में हमेशा चार होता है, चार के बगल में हमेशा पांच होता है, पांच के बगल में हमेशा आठ होता है, आठ के बगल में हमेशा नौ होता है, नौ के बगल में हमेशा सात होता है, सात के बगल में हमेशा छह होता है, छह के बगल में हमेशा तीन होता है, तीन के बगल में हमेशा दो होता है, और दो के बगल में हमेशा जीरो होता है। ऐसे तो है क्रम, तो इस क्रम को नहीं भूलना है, जीरो यहां रखा, एक चार पांच आठ नौ इधर आपने रखा, नौ छोड़ दीजिए, दो तीन छह सात नौ, जीरो वन फोर फाइव एट टू थ्री सिक्स सेवन नाइन, ये एक बनाइए, यू बनाइएगा, एक लकीर खींचेगा, होमवर्क के लिए लकीर खींचेगा, इसी को मोड़ दीजिएगा, गोला गोला बना दीजिएगा, देखिएगा अंक नहीं बदलेंगे, अंक वही रहने चाहिए बस, चाहे आप इधर उधर कहीं करते रहिए लेकिन अंक मत बदलिए। अब चाहे आपको एक कहें, चाहे दो कहें, चाहे चार कहें, चाहे पांच कहें, आपको उसी डायरेक्शन में बढ़ जाना है बस। एक दो नंबर कहा, मान लीजिए दो नंबर हमारा इधर हुआ,
दो नंबर इधर हुआ तो दो नंबर पे हमने जीरो रख दिया, तो एक तो फिर इधर चलेगी ना, जीरो के बगल में तो एक इधर आ रहा थंब की ओर, तो बस हम वही डायरेक्शन एक इधर करेंगे, फिर उसके बगल में हम लोग चार कर देंगे, फिर हम लोग पांच कर देंगे, फिर आर्च कर देंगे, है ना जी। तो ये सब कर देंगे, तो मतलब मेरा कहना है कि एक नंबर के बाद आप उसको भूलिएगा नहीं, जो भी आपको करना है इसको यही अभ्यास करने की जरूरत है कि सर, इसका एक आसान तरीका ये भी है कि हमें जी सर इसको एक तरीका ये भी है कि कागज की रिंग बना के और उस पे नंबर लिख लेंगे 0, 1, 4 उसको हम घुमाएंगे तो हमें अभी आप कैसे भी याद करें लेकिन कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अभी आप किसी हमको हमने बताया ना 1.5 साल बाद हम समझ पाए, और जिस दिन दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि आज मैं उसको समझना है कि आज मैं उसको समझूंगा, वो दिन समझ गया। दो ही चीज मुझे नहीं आ रही थी, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल और ये सर आपको भी बहुत टाइम लगा, बहुत समय भाई 1.5 साल लगा ना, बता तो रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा था बार बार सर, दो चीज मुझे भी बहुत नहीं समझ में आ रही, एक तो ये हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल, और एक सर वो याद नहीं हो रहा है सर प्रोटोकॉल मुझे, आप नहीं हम इसीलिए प्रोटोकॉल याद नहीं हो रही सर मुझे, आग में जा रहा धीरे धीरे जा रहा है ना, हम कह रहे हैं धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको 2 महीने बाद भी आ जाएगा तो आप देखिए अभ्यास जितना करेगी आपके पास अधिक वो है, आप लोग हमसे अधिक अच्छे स्टूडेंट है, मैं बता रहा हूँ, हम लोग नहीं कर पा रहे थे, जिस दिन दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि आज हमको तय करना, उसी दिन सीखा मैंने, और उसके बाद से आज तक ये छुआ है, समझ लीजिए मैं भी बता दूं, उस दिन का कंसेप्ट वही क्लियर है, वही फिर बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी हम केवल आज पढ़े हैं क्योंकि देखिए हमारा देखिए जब तक आप लोग क्या करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब जैसे आरती प्रैक्टिस कर रही है, तो ये जो प्रैक्टिस करते हैं उनका लगाने वगाने में जल्दी क्लियर हो जाता है, हम लोग क्या कंसेप्ट रख लीजिए, अब लगाने को अपना तो लगा लेते हैं, मान लीजिए किसी तरह लगाए तो अपने लगा लिए, और तो नॉर्मली स्पाइरल की बहुत कम नौबत आती है और सब में काम चल जाता है, तो ये लगा लिया वो लगा लिया, ज्ञान का तो वो जितना आप ज्ञान बढ़ जाएगा उतना आप उसी से लगा उसमें लगा लेंगे, वो नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पर वो लगा देंगे LMM RMM ये सब लगा देंगे, कुछ और सर वहाँ पे सर को भी सब लोग बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं, मुझसे नहीं होता है सर, फिर आप ये समझिए, तो अब हमारा सिद्धांत ये है कि जब भी कभी एनर्जी पैटर्न पर जाएंगे तो आपको ये एक राखा बनाइए और उसको 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 थोड़ा सा यूं कर लीजिए, गोलांक हल्का सा गोला ओवल शेप कर दीजिए, अंडाकार कर लीजिए और नंबर उसी तरह लिख लीजिए, शरीर के शरीर अंडाकार टाइप का है ना, तो उसी तरह ले लीजिए और जीरो के बगल में एक रखिए, एक के बगल में चार, चार के बगल में पांच, पांच के बगल में आठ, आठ के बगल में नौ, नौ सात छः तीन दो, और वो हम केवल कह रहे हैं कि वो जैसे मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को मत छोड़िए, बस ऐसा ना हो कि आप फिर वो कंफ्यूजन में या अच्छा यहां पहुंच जाए, सुन लीजिए यहां पहुंच जाए, मैं इसके कंफ्यूजन कहां होगा पता होगा, देखिए यहां पर जब पहुंचेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे होगा, यहां मान लीजिए किसी ने कहा यहां पर आ रहा है आठवा, मान लीजिए ये हाँ ये आठ आ रहा है, किसी ने कहा आठ स्पाइरल, अब आप कंफ्यूज हो गए, आठ यहाँ जीरो रख दिया, अब एक किधर जाए, आठ से ऊपर जाना होगा सर, अंगूठे की तरफ नहीं ऊपर को, हाँ गुड, बस यही, अब अंगूठे की तरफ नहीं जाना क्योंकि हमारा घूमने का तरीका ये था, ये था क्लॉकवाइज, तो हम तो आगे बढ़ रहे थे ना, हम तो इधर से यूं बढ़ रहे थे, तो हमको अगर आठवें पे हमने जीरो रख दिया तो एक नंबर इससे बगल में आना है, नौ नंबर पे वो आ जाएगा, नौ नंबर पे जो हम वो हम ऐसा ना उस वाले में ही तो हम लोग उसको कभी कंफ्यूज करते, वो वही बड़ा कंफ्यूज होता है, नौ में आठ रख दो, ये नहीं हम कह रहे हैं उसके बगल में आप आ जाइए, क्योंकि जहां पर जीरो रखता है एक उसके अगल में बगल में उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, उससे कम पीछे नहीं हटेगा,
मूवमेंट वही रखी। सर ये तो मुझे समझ में आ गया, स्पाइरल मतलब ऊपर हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब ये घेरे वाली हुई चारों तरफ से। हाँ हॉरिजॉन्टल घेरे समझ में आती है सर, हॉरिजॉन्टल घेरे वाली हुई जहाँ। अब ये तो हमने पॉइंट रखने की बात कही, अब ये पॉइंट रखने में फिर वही करना है, जहाँ पर एक एक मिल रहा है, जहाँ पर दो दो मिल रहा है, जहाँ तीन तीन मिल रहा है, जहाँ चार चार मिल रहा है, जहाँ पांच पांच मिल रहा है, जहाँ छह छह मिल रहा है। नौ नंबर में जब आएगा तो नौ नंबर में यहाँ पीछे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इधर एक जीरो, जब नौ में जीरो रखा तो यहाँ एक आ जाएगा, फिर यहाँ चार आ जाएगा, फिर यहाँ पांच आ जाएगा, फिर आठ, फिर यहाँ जहाँ नौ आ रहा था वहां, जहाँ जीरो आ रहा था वहां नौ आ जाएगा। तो ये जो क्रम है सर, एक रिक्वेस्ट और है, एक रिक्वेस्ट सर, आप एक बार ये वीडियो डाले थे इसका सर, एक बार और डाल दीजिएगा, एक बार वीडियो डाले थे ना शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में सर, इसका स्पाइरल का। स्पाइरल नहीं डाला, नहीं सर डाले थे, डाले थे सर, डाले थे, बनाया नहीं था स्पाइरल का, बना नहीं है मेरे पास, पर डाला था सर स्पाइरल, सर का बना है, एक सर का उनका बना हुआ है, सर का बना, आपका भी बना डाला हुआ था सर, स्पाइरल फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, स्पाइरल सर का बना हुआ है। अच्छा सर, मेरे हमें तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बना है वो कोई बना था सर, आया था सर, एक बार और दे दीजिए, बनाया था स्पाइरल वाला, बना हुआ था सर, आया था, मुझे याद नहीं आ रहा तुम्हें बनाने वाला, आया था सर, आया था, पर उस समय सर उतना समझ में नहीं आया था, अब सर आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, जो होगा तो हम, अगर हमारे पास होगा तो हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारा प्रयास है कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया बता दें, ताकि क्योंकि नई पौध आप ही हो, पौध मीन कि हमको पहले सिंचाई उचाई करनी है, पानी देना है, खाद देना है, ताकि आप लोग जो बढ़िया से करो तो आगे चल के यही तो विरासत में मिलेगी कि भाई हम लोग यही कर दे पा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से उसको करो। तो ये हम नहीं, मुझे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कोशिश कर जितना हम लोग मालूम है उतना हम लोग भी कर, देखिए ऐसा मत सोचिए, कोई भी कोई ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, वो आपके पास अधिक हो सकती है, मेरे पास कम हो सकती है, आप लोग यंग लड़के जल्दी समझ लेंगे, यंग लड़के लड़कियां जैसे होगा जल्दी समझ जाएंगे, उसको लगाने लगेंगे जल्दी, ऐसा मत सोचे कि हमको समझने में सरलता है, करने में कठिनता है ना, करने में आलस लगता है, हमको आलस लगेगा, आपको आलस कम लगेगा, हम भी जब 25 वर्ष में रहेंगे तो हमको भी आलस कम लगता रहा होगा, ये सबका नेचर है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जितना है ज्ञान का वो है, जो ज्ञान का है वो हम करें। दूसरा, अब ये एक कंसेप्ट में दूसरा बताने जा रहा हूँ ताकि हम लोग फिर आगे करेंगे काम। दूसरा कंसेप्ट क्या है, एक LHM का कंसेप्ट समझ लीजिए, वो भी बहुत आवश्यक है, LHM कहीं बना नहीं किसी में, लीजिएगा प्लीज। अच्छा लॉन्ग वर्टिकल सब लोगों को मालूम है, लॉन्ग वर्टिकल, सुधा पाठक बोलिए, नीतू जैन नहीं मालूम, देखिए लॉन्ग वर्टिकल समझ लीजिए, बता दें लॉन्ग वर्टिकल माने अगर आपके शरीर के सामने वाले भाग में कोई बीमारी है और कोई ये कहे कि साहब आगे भी हमारा दर्द कर रहा है और पीठ में भी दर्द है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है, वो बता रहा है बीमारी, वो कह रहा है कि हमको बिल्कुल नाभि के सामने से ऊपर जाकर के चेस्ट में पेन है और ऊपर है, और साहब नाक भी थोड़ा दर्द कर रही है और साहब पीछे भी पीठ में दर्द हो रहा है। आज पास आया और मैडम ने कहा कि अच्छा, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आया कि ये जो है एक ही वर्टिकली जा करके पीछे जा रहा है, भाई ये नीचे से ऊपर आया, ये वर्टिकल हुआ ना, ये वर्टिकल मेरिडियन हुआ, जीरो मेरिडियन, यही तो नाभि जा रही है ना, गोनेडल एरिया से नाभि जा रही है और चेस्ट के दोनों बीचों में स्टर्नम से आते हुए और ये जा रही है नाक को छूती हुई, यही तो है जीरो, देखें, और यही बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पीछे जा रही है,
तो इसका मतलब बात कर रहा है, वो केवल सामने की बात नहीं कर रहा है, वो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की बात कर रहा है, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की बात कर रहा है, पूरे शरीर की बात कर रहा है, लेकिन एक ही एंगल में, यूं सामने गया और यूं पीछे। तो इस पे हम लोग ट्रीटमेंट करें। यहां पे सामने क्या है? जीरो। यहां क्या है? जीरो। ये तो जीरो है, यही तो शरीर है, ये जीरो है और ये नौ है। तो वो बात क्या कर रहा है कि जीरो नाइन को जोड़ दीजिए। वो कह रहा है कि जीरो और नाइन में ट्रीटमेंट कर दीजिए हमारा। वो आपको संकेत दे रहा है कि जीरो का और नाइन को मिला दीजिए, हमारा दर्द ठीक हो जाए। ये तो संकेत दिया उसने, हमको यही करना है, हमको जीरो को मिलाना है और नाइन को मिला देना है। लेकिन हमको, हमारे पास एनर्जी कितनी है? दस। दस ही तो है एनर्जी। कितनी? जीरो से लेकर नौ तक। अगर हम यहां जीरो से नौ तक यहां आ गए और यहां से नौ से फिर हमने किया तो कितनी एनर्जी हो जाएंगे? बीस। लेकिन हमको करना दस ही एनर्जी, बाबा बीस एनर्जी नहीं है। तो हमको यही करना है कि जीरो नौ को मिला तो देना है, लेकिन एनर्जी हमको दस ही रखनी है। अब कैसे करना है ये देखिए। जीरो, ये जीरो हमारा है, ठीक, यहां कोई चिंता नहीं। ये हमारा इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में एक एनर्जी सिस्टम लिए, ठीक है। तो एक यहां पॉइंट रख लीजिए और ये दूसरा, एक पॉइंट मतलब जीरो वन, दोनों के बीच में वन। और ये इसको जहां पर थर्ड था, पहला पहला ज्वाइंट आपका पित्त ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट में दो नंबर, फिर दोनों के ज्वाइंट के बीच में फिर एक बीच रख लीजिए और इन दोनों के बीच में फिर एक पॉइंट रख लीजिए। तो कितने पॉइंट हो गए? जीरो वन टू थ्री फोर, फोर पॉइंट हो गए। और जहां फोर है उसी जस्ट पीछे पांच, फिर जहां पर तीन था उसके बगल में छह, जहां दो था उसके बगल में सात, जहां एक था उसके बगल में आठ, और जहां जीरो था वहां नौ। और दोनों का टोटल जब भी जोड़िएगा नौ आएगा, जीरो नौ एक आठ दो सात चार पांच तीन छह। सरल है ना? तो जब पॉइंट बनाना होगा, हाँ ठीक, ये देखिए, जब पॉइंट बनाना होगा, जो पॉइंट बनाना होगा तो बस इसे लगा दीजिए। मान लीजिए कहीं जीरो वन 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 पर लगाइए तो आप तुरंत यहाँ वन जीरो, यहाँ पर वन है, वन पर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए, फिर वो कहेंगे टू पे लगा दीजिए, टू पे लगा देंगे, थ्री पे लगाएंगे, थ्री पे लगा देंगे, फोर पे लगाएंगे, फोर पे लगा देंगे, फाइव कहेंगे फाइव लगा देंगे। तो इससे क्या होगा? हमारी पूरी एनर्जी, दस एनर्जी आगे से और पीछे में कन्वर्ट हो जाएगी और उसी में हमारा एनर्जी। लेकिन हमने पूरा एरिया कवर कर लिया, शरीर का अगला और पिछला भाग कवर कर लिया। इसे बोलते हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, ठीक। अब इससे बात नहीं बनी, उसने कहा, आया वो, उसने कहा भैया, मैडम जी, डॉक्टर साहिबा, यही वो ऐसे बोलेंगे कि यहां पर सामने दर्द हो रहा है लेकिन इधर हमारा दाहिनी तरफ भी कुछ थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो आपने पूछा पीछे तो नहीं हो रहा? बोले पीछे नहीं हो रहा, यही सामने हो रहा, क्यों? तो बात क्या कर रहा है? वो फिर बात कर रहा है दो एरिया की, लेकिन वो लंबाई में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, ऊपर ये चेस्ट में पेन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पेट में बिल्कुल नाभि के पास, और इधर दाहिनी तरफ जो है पेड़ों के पास हो दर्द हो रहा है, और उधर जो है, और ये सीधा जा करके उधर जा रहा है। अब वो जो इशारा कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको दो मेरिडियन की बात कर रहा है। कौन से मेरिडियन? एक तो जीरो मेरिडियन की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है वो दाहिनी तरफ है तो एक मेरिडियन की या चार मेरिडियन की, एक की बात करेगी या चार में, ठीक है ना? तो अब हमको क्या करना है? काम तो वही करना है लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन वाला, लेकिन उसको नाम हम लोगों ने क्या दिया? लॉन्ग रीजनल मेरिडियन। क्यों? लॉन्ग वर्टिकल रीजनल मेरिडियन क्यों कहा? क्योंकि हमारा काम रीजनल है,
इसी एरिया में, इतने एरिया में हमको करना है, तो रीजन हो गया हमारा, तो हमको क्या करना है, वही चीज है 01, हमको 01 को मिला देना है, बस 0 ये चला, यहाँ चला, 1 किधर था, 1 यहाँ था, हम लोग 9 को पीछे मिला रहे थे, यहाँ इसी को मिलाएंगे, 0 यहाँ तक जाएगा, फिर एक नंबर इधर है, तो एक नंबर इधर चला जाएगा, पहले यूं सीधे जाएगा यूं, और फिर जा करके ये बगल में आकर यहाँ पर आ जाएगा, ये तो बन जाए, इस तरह बन जाएगा, तो पॉइंट वही रहेंगे, उसी तरह पॉइंट बनेंगे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, तो रीजनल भी क्या हो गया, और लॉन्ग और लॉन्ग में और रीजनल में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं देखा ना, लेकिन ये है कि इसके बगल में ही होगा, नॉर्मली बगल में ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये कहे यहाँ और फिर कहे वहां, ऐसा नॉर्मली नहीं होगा, वो बगल बगल में कहीं कहेगा, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक, क्लियर हो गया ये वाला। एक और कंसेप्ट बता दें, बाद में फिर दोबारा पूछना पड़ेगा आप लोगों, हॉरिजॉन्टल मीडियन हम लोगों ने सुना ये, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल मीडियन को हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने लगे, तो इसका सरल कन्वर्जन नहीं था, क्योंकि हम लोग इसको तो शरीर को इस वाले यहां से लेकर यहां, यानी इस भाग में यूं बांट रहे थे, यूं काट रहे थे ना, एक भाग ये, इसके बगल का भाग ये, अगर हम शरीर को यूं काटते तो एक शरीर यूं, एक टुकड़ा यूं, एक टुकड़ा यूं, ये जा रहा था, लेकिन ऐसे हम बांट नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को, हम लोगों ने खरबूजा, आपने देखा होगा खरबूजे को काटिए, खरबूजे को लंबा यूं किया, जैसे खड़ा हुआ यूं रखा, खरबूजे को काटिए, तो जब सब सबसे जो बीच वाली फाक होगी वो सबसे लंबी होगी, सबसे बड़ी होगी, उसके आगे वाली उससे कम बड़ी होगी, उससे छोटी होगी, और उससे सबसे आगे वाली और छोटी होगी, ऐसे पीछे सबसे बीच वाली के बगल वाली पीछे वाली उससे छोटी होगी, और उससे सबसे पीछे वाली और छोटी होगी, तो हमारे पास, हम लोगों ने मान लिया कि दो एनर्जी सिस्टम मिले, जब भी हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारे हम अभी क्या कर रहे थे, 2 7 1 8 0 9 3 6 4 5 यही तुम कर रहे थे, अब यहां हम लोग इस सिस्टम में देखिए कैसे हम लोग ने यूं करके यूं काट रहे ना, यूं नहीं काट रहे हम लोग, यूं काट रहे हैं सीधे, यूं काटा इसको उंगली को, तो यहां पर जो सबसे किनारे कौन से बड़ी आई, बड़ी वाली आई ना, बड़ी एनर्जी कौन से हमारे पास है, 09, तो हम लोगों ने क्या किया, 0 किधर रखना, हम तो थंब की ओर, तो 09 0 0 यहां रख लिया हम लोग साइड में, और 9 यहां चला गया, सबसे बड़ी वाली फाक, सबसे बड़ी जो बीच वाली फाक निकली उसको हमने दिया 09, 0 इधर आ जाएगा थंब की ओर, और 9 बगल में चला जाएगा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण है, 0 पहले यहां हुआ था, होता था ना, सामने था 0, सर ऐसा किया क्यों हमने, सर ऐसा किया क्यों हमने, सामने सामने क्यों नहीं रखा, पहले से पढ़ते आ रहे वैसा, हमने 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 इसको खरबूजे को इस तरह काटा, कट किया ना, जब कट करेंगे तो पार्ट्स में ऊपर से नीचे कट किया, देखिए अगर हम वही कर देते तो फिर हमारा वो वर्टिकल मेरिडियन का ही कहीं ना कहीं रूप होता, हमको हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो हॉरिजॉन्टल का सिस्टम की बात, सिस्टम की बात कर रहे हैं, यूं काटा हमने तो हमारा 09 चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर हम वर्टिकली कोई भी चीज यूं काटे तो हम तो अलग दो भागों में कर ही रहे हैं, हमको इसमें आगे और पीछे भागों में डिवाइड करना ना, अभी हमने एक दाएं बाएं में कर दिया था डिवाइड लॉन्ग वर्टिकल में, लेकिन अब हमको आगे और पीछे में डिवाइड करना है, तो वो हॉरिजॉन्टल हुआ, तो उसमें क्या हुआ, सबसे बड़ी एनर्जी चली गई पीछे, बड़ी वाली फाक, तो 09 कर दिया हमने, तो यहां का स्पेस खाली हो गया, 09 का स्पेस खाली हो गया, सबसे आगे क्या हुआ, सबसे छोटी वाली आई है फाक, तो हमारे पास 12 आ गया, 12 आया ना, 0 के बगल में 1 होता था, इधर 1 होता था, इधर 2 होता था,
तो वो तो आएगा ही 1 2, आएगा नहीं आएगा, 0 हट गया लेकिन 1 2 1, 1 और 2 तो अपनी जगह शामिल है, 1 2 तो नहीं हटा, तो 1 2 एनर्जी अपनी जगह शामिल रही, 3 4 उसके बगल में थी, 3 इधर था 4 इधर था, तो 3 4 अपने आप शामिल रही। पीछे क्या अंतर पड़ा वो समझ लीजिए, पीछे अंतर पड़ गया कैसे, पीछे हम लोगों ने रखा था 5, यहां 5 था, 4 के बगल में 5 और इधर 3 के बगल में 6 था, तो 5 6 हम लोगों ने पीछे रखा था और 7 8 रखा था हम लोगों ने जस्ट 9 के बगल में, याद करिए 9 के बगल में 7 8 था ना, 7 और 7 8, 9 के बगल में कौन से, एक तरफ 7 एक तरफ 8, लेकिन वो 7 8 बड़ी फोर्स है, बड़ी एनर्जी है, तो उसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया किनारे की तरफ, बड़ी एनर्जी, बड़ा कट साइज, बड़ा कट साइज 7 8 हो गया और 5 6 अंदर चला गया, पीछे की तरफ चला गया, सबसे पीछे 5 6, तो उसका प्लेसिंग चेंज हो गया, बस ये किया हुआ है। इसको ये भी टफ है, ये भी टफ है, इसको समझना भी थोड़ा सरल नहीं है, ये भी होता है, तो ये हम लोगों ने अपनी कहा। आप लोग और बताइए, कुछ पूछना उछना हो तो पूछ लीजिए। ये नहीं आया अच्छे से समझ में कि ये सर है कौन सी उसमें बुक में है ये वाली चीज, तो हम एक बार वापस पढ़ लें इसे। किताबें तो इन्हीं सब में है लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये तो किताबों में तो लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट तो कोई बताएगा तभी होगा, जब कभी इसकी जरूरत पड़े, कभी ट्रेनिंग वाली हो लिखा तो सब मिल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही निकलेगा, किताब में तो इसी में ही है, वॉल्यूम 1 2 HB 1 और 2 में तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही मिलेगा। चरक ये आयुर्वेद चरक वन में भी होगा, चरक वन में होना चाहिए सर, चरक वन पार्ट 2 में भी है, हाँ पार्ट 2 में भी होगा, चरक वन है हमारे पास हो सकता दिया ना हो, देखिए कॉन्सेप्ट सब आए हैं वहां से और उसको हम लोगों ने रख दिया गया है, जो आपके HB 1 है ये ट्रीटमेंट हैंडबुक वगैरह इन 1 2 में, तो 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रखिए, इसको जरूर मंगाइए अगर आपको योगदान बढ़िया देना है, हाँ ले लीजिए आप लोग, बिल्कुल लीजिए, मैं सभी को मतलब रिकमेंड करता हूँ, जो अफोर्ड कर, देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं दे शुड परचेज इट, है ना, क्योंकि अभी देखिए किताब तो ऐसा नहीं कि जब आप समझ जाए तब किताब चाहिए, किताब तो अभी चाहिए जब समझना कर रहे हो, तो ये आप जरूर आप लोग लीजिए और इसको करिए, सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं सभी रिकमेंड कर रहा हूँ, तो जो लोगों ने कुछ लोगों ने किताबें भेजी मैंने भेजी भी है और कुछ लोग ली भी है, तो उसको लीजिए आप लोग, और ये कंसेप्ट ये है कि देखिए इसको आगे चल के यूज कैसे होगा, यूज आप देखेंगे 5 6 जब आप लोग पढ़ेंगे उसको, तो हॉरिजॉन्टल मेडिटेशन का यूज क्या है, लेकिन समझना तो अभी है, प्रोटोकॉल आएगा LHM, तो LHM में आपको समझना तो पड़ेगा कहाँ लगाएं, सरल है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है, इस पारे से कम कठिन है लेकिन थोड़ा सा केवल दिमाग में एक बार ये चरक 1 में पार्ट 1 में पेज नंबर 234 हमारी पुरानी बुक है सर, हाँ है 34 में है सर, वो मैम पूछ रहे थे ना नीतू जी, मिल गया 232 सर, मिल गया 234 में दिया हुआ सर, मिल गया जी सर, हाँ मिल गया, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि इसमें देखिए पीछे वाली क्या एनर्जी, बड़ी वाली एनर्जी 09 की कर दिया और पीछे 7 5 6 सबसे पीछे ले गए, यही लोग समझ में नहीं आता कि 5 6 क्यों पीछे ले गए, सामने तो कोई अंतर नहीं पड़ा, 1 2 वैसे रही 3 4 वैसे रही, लेकिन
क्योंकि सात आठ बड़ी एनर्जी थी तो वो नौ के 09 के बगल में रहेगी, वो नहीं चाह जा, क्योंकि छोटा और सबसे छोटा फाक पांच छह का आएगा, सबसे छोटा फाक पांच छह। और अब खरबूजा को एक दिन लाइए और काटिए उसी तरह, और तब आपको एक एक स्लाइस स्लाइस निकालिए, आप खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग तो कर सकते हो, अभी तो हो सकता है खरबूजा मिल भी जाए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तरबूज मिल जाए, तरबूज तो मिल ही जाएगा। हाँ तो उसको लेके भी आ जाए, मतलब प्रैक्टिकल ये बढ़िया, हम लोग नहीं कर सकते लेकिन आप लोग तो कर ही सकते हो। आप लोग करो, उसको काटो, उसको स्लाइस निकालो, आपको समझ जाएगा कि कौन बड़ा पार्ट है कौन छोटा पार्ट है। बस वही समझ लो कि ऐसे ही शरीर का वो है, तो वो रखने की स्थिति केवल ये है और बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। प्लेसिंग आपने कर दिया तो फिर तो वही सिस्टम है, 014 कैसे करेंगे, वो अपने आप वही करेंगे, 0 1 2 3 4 वही, 5 6 7 8 वही कंसेप्ट वही है। बड़ा बनाने का कंसेप्ट हम लोग जान रहे हैं ना, 10 एनर्जी को 9 एनर्जी में, वो 10 वो 20 एनर्जी को 10 एनर्जी में कन्वर्ट करने का सिद्धांत हमको मालूम है, बस वो तो हम लोग करना है 0 1 2 4 उस तरह कर लेंगे, तो वो हम लोग यूज कर लेंगे उसको। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग समय मिला, हालांकि जिन्होंने बहुत रिकमेंड किया था वो तो आज शामिल नहीं हुए, वो शामिल ही नहीं है। तिवारी जी ने कहा था बहुत शिद्दत से कि हमको समझना है ये स्पाइरल, खुद ही नहीं आए हैं। और जो लोग जिनको मैंने पहली बार बुलाया तुरंत, वो सब लोग मैसेज डाल दिया, किसी से कहा भी नहीं था, वो सब लोग आ गए। और तिवारी जी हमको परेशान किए हुए थे कि वो सर बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो हमने कहा था तो कल भी नहीं, कल का समय लिया था, कल का समय लेके आज का समय लिया, आज हमने कहा 7 बजे के बाद, बोले हाँ। तो हमने देखे सब आरती वारती सब लोग तुरंत, इनको बताया भी नहीं तो तुरंत मैसेज डाला, और आपको सुधा जी को भी, नीतू जैन सब लोग, बबली सिंह सबको मालूम है, मुनि त्रिपाठी किसी को नहीं मालूम क्या क्लास होगी, हमने क्लोज डाल दिया हो गई। तो ये क्योंकि हम लोग समय खुद नहीं है, हमारा खुद ही सेमेस्टर 9 है, टफ है, और हम खुद ही पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम भी समझ रहे हैं प्रॉब्लम है, पढ़े कहो कभी ये पढ़ना कभी वो पढ़ना, सर किसी को डाउट होगा तो हमसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम का नंबर ले लीजिए, बहुत मैडम नंबर नोट करा दो। मैडम जो है 6 सेमेस्टर कर चुकी है, बहुत बहुत योग्य है। अरे 6 के बराबर ही है आपका, 4 5 कुछ भी किया होगा 6 के बराबर है, प्रैक्टिस करने में अधिक वो है। और हम लोग जैसे कैंप लगाते हैं तो हमारे साथ भी कैंप में भी कई जगह पार्टिसिपेट खूब किया, बढ़िया सम्मान से करते हैं, तो है। अब लोग जो लोग जो लोग पास होते हैं उन्हीं को बुला पाते हैं, बबली सिंह तो वहां पर है मध्य प्रदेश में, तो उनको बुला नहीं पाएंगे, मुन्नी त्रिपाठी हरिद्वार में, इनको कहाँ बुला पाएंगे, नीतू जैन भी बहुत दूर है राजस्थान में, राजस्थान में राजस्थान में भी रहती हूँ, और हिमाचल, अभी तो हिमाचल रह रही हूँ, अभी राजस्थान आई हुई हूँ लेकिन हिमाचल रह रही हूँ सर। वही तो, हिमाचल से कहाँ पाएंगे, सुधा जी जरूर पास है शायद, यस सर, फरीदाबाद, हाँ फरीदाबाद तो पास है वो, हाँ नहीं पास है सर, नहीं हमको जब हमारा क्यों ये कहना कि जब कैंप हम लोग लगाते हैं तो कभी कभी जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वांतर सुखा होता है, फ्री कैंप होते हैं, यस सर, ये केवल कहते हैं भाई ठीक है ये जो हम कर सकते हो, यस सर, आपका तो स्वांतर सुखा है, हमारा एक्सपीरियंस होगा सर, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। और आप ये समझिए कि जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपकी सफलता एज थेरेपिस्ट, पहली सफलता तब होगी मैडम जब आपको कोई जेंट्स पेशेंट मिलेगा और अपने गोनेडल प्रॉब्लम्स बोलेगा, तो पहली सफलता वहां है, तब आपको जेंडर नहीं मानेगा, फिर आपको थेरेपिस्ट मानेगा। हमारी सफलता क्या है, जब को लेडी पेशेंट बोले अपने गायनी प्रॉब्लम को डिस्कस करे, बता रहा हूँ सबसे बड़ी सफलता यही है, अदरवाइज तो आपके पास लेडीज आ रहे हैं, हमारे पास जेंट्स आ रहे हैं, तो ये तो ठीक है अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सफलता यही है, और हमको यही यही करना है, धीरे धीरे ये विश्वास पैदा करना है कि हम लोग जन कल्याण के लिए है, हम लोग पता चाह रहे हैं। तो अगर हम आप फोन करें, और मैं अगर फोन उठा सकता हूँ तो उठाना चाहिए, मैं बता सकता हूँ तो मुझे बताना चाहिए, मुझे नहीं आता तो मुझे किसी से पूछना चाहिए,
कोई जरूर नहीं कि मुझे सब ज्ञान हो भाई। हम हमारा क्या, 4 साल के हम लोग प्रोडक्ट हैं, 40 साल हुआ हमको और इस एट द एज ऑफ 62 आई ज्वाइन, तो आज की डेट में 68 माने 67 68 में हूं, तो अब मैं इतने साल में कर रहा हूं, तो आप ये हमारा वो है। जो लोग 20 साल से कर रहे हैं, ज्ञान तो उनके पास होना चाहिए, तो उनके पास अगर ज्ञान नहीं है तब खराब है, लेकिन उनके पास ज्ञान है तो वो हमको मानना चाहिए कि उनके पास अधिक ज्ञान होना भी चाहिए और हमसे ज्ञान होगा भी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। जो भी है अभी रिसर्च हो रही है, नहीं देख रहे हैं एक पॉइंट दूसरा चेंज, दूसरा पॉइंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं उससे बेटर करने की कोशिश की जाए। इसलिए जो है ऐसा बिल्कुल आप प्रोटोकॉल बना सकती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोटोकॉल बना सकते हैं। एक कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 मिनट बस के बता दूं, जब भी हम कभी मन को 8 नंबर को सिडेट करते हैं तो हमारा उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अगर सिडेट करें तो उसका अर्थ ये नहीं कि हम मन को सिडेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम मन में हमने क्या बताया था, बुद्धि, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, सुख, दुख, ये भी तो शामिल है। तो अगर हम दुख को कम कर रहे हैं तो हमको तो आठ ही को सिडेट करना पड़ेगा, अहंकार को सिडेट कर रहा है तो हमको आठ ही को तो सिडेट करना पड़ेगा। अगर सर इसके साथ साथ तो सुख भी सिडेट हो जाएगा सर, अगर आप अहंकार को कर रहे हैं तो। जो आप जब हम आप किसी के गुण के बाद के आधार पर आप पोज करना चाह रहे हो तो कैसे हो जाएगा। आप ये तो नहीं कह रहे हो ना कि दुख को सुख को क्रिएट कर रहे हैं भाई, एक आपके अंदर सुन लीजिए, आप किसी की बहन है, किसी की भाई है, वो अरे बहन है किसी की बुआ हो सकती है, किसी का तमाम रिलेशन है आपके, 10 रिलेशन हो सकते हैं। अगर कोई आपसे बात करना बंद कर देगा, आप कोई भतीजा, तो क्या आपका और जो 9 गुण है वो खत्म हो गए। वैसे कह रहा हूं पड़ोसी, एक पड़ोसी है, आप पड़ोसी आपसे नाराज हो जाए तो वो तो सिगरेट हो गया ना, आपने उसको सिगरेट किया, उसने किया तो हो गया, तो क्या उसके सिगरेट होने से आपका जो टोनिफिकेशन था, वाइफ, हस्बैंड, वो बहन, माँ, ये सब के रूप में जो आपका कैरेक्टर है, क्या वो बदल गया। तो एक गुण को आपने सिडेट किया ना, वही वो नेचर, यही हमारे है। कलर अगर 7 को सिडेट किया, हमने दिशा को सिडेट नहीं किया, कभी 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 हमने कलर को सिडेट किया, आपके अंदर लालिमा है आपको में, तो हमने सिडेट 7 को किया, लालिमा को सिडेट किया, गुलाबी बढ़ा दिया, तो हमने दिशा को सिडेट नहीं किया, हमने सिडेट क्या किया, दिशा के कलर को। सर तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे शरीर के किसी अंग में दर्द है तो हम जो दवाई खाते हैं तो उसी अंग को असर करता है, ये कहने का मतलब है सर। जैसे पेन किलर हम खाते हैं सर, शरीर के किसी अंग में दर्द है तो दर्द जहाँ रहता वहीं जाके असर करता है ना। हम दवाइयों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे उनके कॉन्सेप्ट में अंतर है। हाँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ, उनका पराभौतिक नहीं है, वो पराभौतिक बात ही नहीं करते, वो मन की बात ही नहीं करते, वो कहते सब कुछ करता ब्रेन करता है, हम कहते नहीं सब कुछ करता आत्मा और मन करती। चाइनीज भी कहते कि नहीं मेरिडियन है, ब्रह्मांड करता है, कहता है ना, तो हमारे उनके कंसेप्ट वो प्रगति पर विजय कह रहे हैं कि प्रगति पर हमने प्रगति को कंट्रोल कर लिया है और प्रगति हमारे कब्जे में है और हम जो चाहे जो कर सकते, हम क्लोन बना देंगे, हम आदमी को नया प्रोडक्ट बना देंगे, हम तो नहीं कह रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। हम कह रहे हैं हम स्पर्श के माध्यम से हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम स्पर्श कर रहे हैं तो हम प्रेशर दे रहे हैं ना। आप मैंने स्पर्श किया, हाथों को छुआ तो क्या हुआ, हमने ताली बजाया तो क्या हुआ। देखिए ये हमारा राइट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, आप लोगों का ये राइट वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है आपका, आपका लेफ्ट जो है मिडिल फिंगर नॉर्थ पोल है, ठीक। हमने यूं ताली बजाया तो हमने बैलेंस अपने किया ना। तो कभी कहते हैं कि कभी रात में नींद ना आवे तो आप
इसको ऐसे जोड़ लिया करिए, इसीलिए हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम हाथ जोड़ते हैं तो हम बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। तो हमने आपको नमस्कार किया और हमने अपने को बैलेंस कर लिया, तो हमने अपनी एनर्जी को पुनर्जीवित कर लिया। हम लोग भूल गए उसको, हमने हाथ मिलाना शुरू किया तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर, मान लीजिए उसके पास एनर्जी कम है तो आपकी एनर्जी चली जाएगी उसके पास, उसकी एनर्जी बहुत अधिक है तो आपके अंदर आ जाएगी, ये अंतर पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों में अंतर है। हमने तो अपने हाथ यूं किया, दूर से अपना छुआ, हाथ जोड़ा, अपनी एनर्जी बैलेंस कर लिया, ताली बजाया, अपनी एनर्जी बैलेंस हो गई हमारी, प्लस माइनस मिला दिया। ये जो प्लस है वो माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है हमारा, ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माने नॉर्थ और माइनस साउथ। ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हमने किया, तो अभी इसीलिए आपको कीर्तन उधर में हम कहते हैं बजाते हैं तो एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, आपका ही हो रहा है। लेकिन वो हम लोग भूल गए, उस चीज को हम लोग भूले हुए हैं, है कंसेप्ट वही सब, कान पकड़ के हम लोग कर रहे थे ना, टीचर यू करते थे तो क्या कर रहे हैं, कुछ तो एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, ट्रिपल वार्मर की एनर्जी, आप लोग कान में बूंदी पहन रही हैं तो उसका कुछ तो आप बैलेंस कर रही हैं इस एनर्जी को, क्योंकि लेकिन वो कंसेप्चुअली डिफरेंट था, है सिद्धांत वही। इसलिए जो है आप लोग बढ़िया से पढ़िए, चलिए फिर अगली बार जो है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, हम लोग खूब एंजॉय करिए आप लोग, और खूब मस्त रहिए, संचित रहिए, और जब भी कोई हो दोनों में मेथी या दोनों में ब्लैक कलर, सर मिडिल फिंगर, बोथ मिडिल फिंगर पिट जॉइंट, हाँ कोई भी कोई टेंशन हो तुरंत, और ये सर अगर ये क्लास, सर अगर ये क्लास नहीं होता, अगर अगर आपके थ्रू ये क्लास नहीं होता तो शायद मैं गिव अप कर चुकी होती, मुझे बहुत डर लग रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी फर्स्ट सेमेस्टर में सर। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आई विल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन भी कराना होगा तो आप बता दीजिएगा, वो भी करा दूंगी जी। तो नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, चैट में डाला है मैसेज, डाल दिया ठीक है, हम दे देंगे, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू आरती जी, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम।